हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ एक और नई डिजाइन का डोरमेट, जिसे बनाने के लिए मैं 3 कलर की बूल ली है। आप इसको साड़ी और चुन्नी से भी बना सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे मैं 8 नंबर सलाई ले रही हूँ ऊन के हिसाब से। ऊन को मैंने डबल किया हुआ है, ऊन पतली है। आप चाहें तो सिंगल बूल से भी बना सकते हैं अगर आपके पास मोटी बूल है। और आप इसको टेबल मैट की जगह भी यूज कर सकते हैं और डोरमेट की भी जगह यूज कर सकते हैं, या थाल कवर पे भी। तो देखिए, सबसे पहले मैं फंदे लूंगी इसमें ऐसे। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये देखिए, 12 फंदे हमने व्हाइट कलर से डाले और 12 ही फंदे हम रेड कलर से डालेंगे। ये 2 कलर से आधे आधे फंदे आपको डालने हैं। जितना मर्जी आप फंदे इसमें ले सकते हैं, पेयर के हिसाब से फंदे। तो देखिए, 2, 3, 4, इस तरह से हम 12 फंदे ले लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने ये 24 फंदे ले लिए हैं। 12 फंदे व्हाइट, 12 रेड, 24 फंदे लिए हैं। आप अपने हिसाब से फंदे दोनों बराबर बराबर ले सकते हैं। तो अब देखिए, हम यहाँ से फर्स्ट रो बुनना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आप देखिए, इसको हमें ज्वाइंट करना है। तो ज्वाइंट आपको इस तरह से करना है। इसको आप ऐसे करेंगे और इसको नीचे से बाइट को ऐसे बनाएंगे, तो यहाँ पे फिनिशिंग भी काफी अच्छी आएगी आपके डोरमेट में। और देखिए, ये ज्वाइंट भी पता नहीं चलेगा। तो अब देखिए, यहाँ से ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 फंदे हमने बुने, 2 बिना बुने छोड़ दिए। और सलाई को हम यहीं से पलट लेंगे। यहाँ पे जो बाइट है उसको हम बाइट से बुनेंगे। ये देखिए, बुनना आपको दोनों तरफ से उल्टा उल्टा है। बिल्कुल सिंपल है और बहुत ही जल्दी बन के कम्प्लीट होता है। तो देखिए, इसको हम ऐसे क्रॉस कराएंगे। यहाँ पे आपको इसी तरीके से क्रॉस कराना है। ये देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये देखिए, एक तरफ से हम इस फंदे को ऐसे उल्टा बना लेंगे और उल्टे तरफ से हम इसको उतार लेंगे। ये देखिए, बिना बुने। तो यहाँ पे ये देखिए, फिनिशिंग काफी अच्छी आएगी। ये इसको हमने उतार लिया ऐसे, बूल को अपने तरफ किया। यहाँ से देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 फंदे हमने रेड बुने। और देखिए, अब इसको हम ऐसे इधर करेंगे और यहाँ से व्हाइट कलर को उठाएंगे, इस फंदे को बुनेंगे। तो यहाँ से देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और देखिए, 8 फंदे बुने, 2 बिना बुने छोड़ दिए। बूल को इधर किया और सलाई को हमने पलट लिया। यहाँ से हम जो जैसा है उसको हम वैसे ही बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब हम इसको क्रॉस कराएंगे। देखिए, ऐसे इसको ऐसे करेंगे और इसको आगे लाएंगे रेड को। यहाँ से हम रेड से बुनेंगे। तो देखिए, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
और 12, ये देखिए इस तरफ से हमने इसे बना लिया, उल्टी तरफ से अब हम पलटेंगे और इसको उतार लेंगे। इसको ऐसे ही बनाना है, देखिए इस तरह से। अब देखिए इसी तरीके से हम यहाँ से देखिए इस तरह से बनाते हुए जाएंगे। इस फंदे को उतारा, उसके बाद देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 फंदे बनाने के बाद ये देखिए इसको हम ऐसे करेंगे और इससे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से ये ज्वाइंट होता जाएगा फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 ये देखिए 2 फंदे फिर से छोड़ दिए। तो यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6 फंदे छूट गए। अब देखिए इसी तरीके से हम यहाँ पे 10 फंदे छोड़ लेते हैं, 2 बाइट के रह जाएंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पे 10 फंदे हमने छोड़ दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए इस रो में हम 2 फंदे और छोड़ेंगे तो यहाँ पे टोटल ये 12 फंदे छूट जाएंगे। तो हम उल्टी रो पे हैं तो इसमें हम इस फंदे को उतार लेंगे बुल अपने तरफ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और देखिए ये 2 फंदे ये भी छोड़ दिए मैंने। यहाँ पे 12 फंदे 2-2 करके छूट गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 दूनी 12। यहीं से हम इसको पलट लेंगे ऐसे, देखिए इधर की रो हम पूरा उल्टा ही बुनेंगे। ये देखिए ये रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए यहाँ पे ये हाफ कली बनके कंप्लीट हो गई। यहाँ पे हमने 12 फंदे छोड़ दिए, एक कॉलम यहाँ का हाफ बनके कंप्लीट हो गया और देखिए हाफ ये बनके कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से 2-2 फंदे लेते हुए जाएंगे। तो देखिए यहाँ से हमने इसको उतार लिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब देखिए हम 2 फंदे आगे से ले लेंगे, ये देखिए 1 और 2, यहीं से हम पलट लेंगे, ये देखिए ऐसे। अब इसको हम ऐसे क्रॉस कराएंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आपके डोरमेट में फिनिशिंग काफी अच्छे से आ जाएगी। इधर की रो हम पूरा ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ से हम पलट लेंगे, इस फंदे को वापस उतार लेंगे बुल अपने तरफ करेंगे। यहाँ से देखिए ये 12 फंदे हम रेड से ही बुन लेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और देखिए इसको हम बुल को ऐसे कर देंगे और यहाँ से देखिए ऐसे बनाएंगे। ये 2 फंदे हमने बना लिए थे। अब देखिए यहाँ पे हम गैफिंग को भरेंगे, 2 फंदे आगे से लेंगे। तो देखिए यहाँ से हम फंदा उठाएंगे, एक यहाँ से और एक यहाँ से, और ये देखिए यहाँ पे 3 का 1 कर देंगे, ये कर दिया। एक फंदा हम और ले लेंगे आगे से, तो 4 फंदे हमारे पास ये हो गए, 2-2 करके मैंने लिए हैं। अब यहाँ से हम इन्हें उल्टा बना लेंगे ऐसे, ये देखिए इस बुल को हम पीछे करेंगे और रेड वाली आगे लाएंगे। यहाँ से अब इन्हें हम उल्टा ही बुनेंगे और देखिए इसी तरीके से हम 2-2 फंदे लेते हुए ये 6 फंदे और ले लेते हैं और 2 रह जाएंगे जब हम आपको दिखाएंगे। 4 हमने ले लिए हैं, 6 और ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ तक फंदे मैंने ले लिए हैं, 10 फंदे ले लिए हैं। लास्ट में हम ये 2 फंदे भी ले लेंगे। एक फंदा हम पहले यहाँ से उठाएंगे इस तरह से और इस फंदे के साथ हम बना देंगे। ये देखिए ये फंदा भी ले लिया मैंने और इधर की रो पूरा हम उल्टा ही बुन लेंगे, इसको उतार लेंगे और देखिए यहाँ से जो जैसा है उसको हम वैसे ही बना लेंगे। तो ये रो हम कंप्लीट करते हैं, ये
देखिए सभी फंदे मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। अब मेरे पास 24 फंदे हो गए हैं और देखिए इस तरह से ये कली बनके पूरा कंप्लीट हो गई है और ये कॉलम भी दोनों कंप्लीट हो गए। अब देखिए यहाँ पे हम पत्ती वाली डिजाइन डालेंगे, तो देख उसके लिए हम ये ग्रीन कलर ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए पत्ती आप किसी भी कलर की ले सकते हैं, तो पूरी रो हम इसी कलर से बना लेंगे। इसको रेड को हमने यही छोड़ दिया इस तरह से। तो यहाँ पे हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए सभी फंदे हमने ये बना लिए हैं। अब हम इधर से एक रो उल्टा बना लेंगे लास्ट तक, तो हम एक रो कंप्लीट करते हैं। अब देखिए मैंने ये रो कंप्लीट कर ली। अब देखिए हम इस फंदे को उतारेंगे और बुल को अपने तरफ करेंगे। इस फंदे से हम फंदा बढ़ाएंगे, तो एक बार हम इधर से बुनेंगे। बिल्कुल इजी तरीके से हम बताएंगे इसको फंदा बढ़ाना, आप अपने तरीके से भी बढ़ा सकते हैं। एक फंदे से दो फंदे और एक फंदा हम आगे से ले लेंगे, यहीं से हम पलट लेंगे। ये देखिए ऐसे इस फंदे को भी हम ऐसे ही बुन लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम इस फंदे को उतारेंगे और इस पे हम फंदा बढ़ाएंगे, तो ये दो रो में दो फंदे बढ़ गए हैं। इसको हम इधर से बुन लेंगे, तो एक फंदे से दो फंदे हो गए, ये तीन और चार, एक हम आगे से लेंगे पांच, यहीं से हम पलट लेंगे। अब एक दो तीन चार पांच और देखिए छह। अब यहां से हम इसको उतार लेंगे। एक बढ़ा लिया तो ये यहाँ पे तीसरा फंदा बढ़ गया, एक हम आगे से ले लेंगे, ये देखिए यहीं से पलट जाएंगे। ये देखिए इस तरह से आप देखिए यहां से हम इस फंदे को उतार लेंगे, फिर से चौथा फंदा बढ़ाएंगे, तो एक बार हम इधर से बुनेंगे ऐसे और दूसरी बार इधर से। ये देखिए यहाँ पे चार फंदे बढ़ गए, एक फंदा हम आगे से लेंगे इस तरह से, एक आगे से ले लिया, यहीं से हम पलट लेंगे। ये देखिए अब यहां से हम वापस पलट लेंगे, इसको उतार लेंगे, बुल को अपने तरफ करेंगे। यहां से हम फिर से फंदा बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे इस रो में पांच फंदे बढ़ गए, तो देखिए यहाँ पे ये दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, एक आगे से ले लेंगे ग्यारह, यहीं से पलट लेंगे। ये देखिए यहाँ पे इस रो में ये आधी पत्ती बनके कंप्लीट हो गई। इस तरह से देखिए अब देखिए हम यहाँ पे ये आधी बनके कंप्लीट हो गई। अभी तक हम फंदा बढ़ा रहे थे, एक फंदा हम इधर से ले रहे थे। अब देखिए हम इस फंदे को उतारेंगे, ऊल अपने तरफ करेंगे, यहाँ पे दो का एक करेंगे। ये देखिए एक फंदा घट गया, एक फंदा हम आगे से ले लेंगे, यहीं से पलट लेंगे। उसके बाद देखिए वापस हमने इसको उतारा, यहाँ पे दो का एक किया और एक आगे से ले लिया इस तरह से, दो घट गए। अब देखिए यहां से तीसरा फंदा हम घटाएंगे ऐसे और एक आगे से ले लेंगे, यहीं से पलट लेंगे। इस तरह से देखिए अब यहां पे इस फंदे को
ऐसे घटा देंगे तो ये चौथा फंदा घट गया। एक हमने आगे से लिया, ऐसे पलट लिया, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे इसको हमने उतार लिया और ये देखिए पांचवा फंदा घटा दिया। एक मैंने आगे से ले लिया, यहीं से पलट लिया, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे मैंने पांच फंदे बढ़ाए थे, वो पांच फंदे घटा दिए। अब देखिए मेरे पास इसमें टोटल 24 फंदे बचे हैं। 12 फंदे यहाँ तक ये व्हाइट वाले और 12 फंदे ये यहाँ पे ये रेड वाले। जो आप स्टार्ट करेंगे बनाना उसी के फंदे आपके पास रहेंगे। तो यहाँ से देखिए अब हम इस रेड कलर को यहीं से ऐसे ऐड कर लेंगे। ये देखिए एक, इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, दो, तीन। अब यहाँ से दूसरी गली स्टार्ट हो रही है, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह और देखिए 12। 12 फंदे हमने रेड से बनाए जो मेरे पास ये वाले थे। अब देखिए हम यहाँ पे इसको ऐसे कर लेंगे, यहाँ से व्हाइट कलर से बनाएंगे। तो व्हाइट कलर से देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह और 12। ये देखिए अब मेरे पास ये टोटल 24 फंदे हैं जैसे हमने स्टार्टिंग में लिए थे, उसी तरीके से सेम अब हम बनाएंगे इसको। तो यहाँ से हम इसको उतार लेंगे, वूल अपने तरफ करेंगे। व्हाइट हैं उनको हम व्हाइट से बुनेंगे, 12 फंदे हम रेड से बुनेंगे। तो यहाँ से ये दूसरी कली स्टार्ट हो जाएगी। अभी इस रो में मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ ये 12 फंदे दोनों कलर से बनाए हैं। ऐसे इसको क्रॉस करा देंगे, इसको हम आगे लाएंगे ऐसे। और ये ग्रीन वाली पत्ती आप बड़ी भी बना सकते हैं। मैंने 5 फंदे बढ़ा के बनाई है, आप 7 फंदे भी बढ़ा सकते हैं अगर आपको बड़ी चाहिए। तो देखिए ये रो यहाँ पे कंप्लीट होती है ऐसे। ये देखिए बहुत ही प्यारा डोरमेट ये बनके कंप्लीट होगा। ये फ्लावर देखिए हाफ हाफ आएगा तो काफी प्यारा लगेगा बनने के बाद। अब देखिए हम यहाँ से इसको उतारेंगे और बूल को अपने तरफ करेंगे, दो, तीन। ये देखिए यहाँ पे 12 फंदे हमने रेड बुन लिए और यहाँ से देखिए इसको हमने ऐसे किया, यहाँ से देखिए व्हाइट के बुनेंगे, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस। ये देखिए अब हम फंदे छोड़ना स्टार्ट करेंगे, 2 फंदे हमने छोड़ दिए और सिलाई को यहीं से पलट लिया। और देखिए इस तरह से ये पूरा डोरमेट बन के कम्प्लीट हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे ही 2-2 फंदे छोड़ते हुए यहाँ तक 12 फंदे छोड़ देंगे। उसके बाद जैसे हमने इस कली में फंदे वापस 2-2 लिए हैं उसी तरीके से फिर ये वाली पत्ती हम डालेंगे। तो ऐसे ही हम बना के इसको कम्प्लीट करेंगे, कम्प्लीट करके फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे इसको मैंने बना के कम्प्लीट कर लिया है और देखिए यहाँ पे एक ग्रीन की ये डिजाइन आ रही है क्योंकि यहाँ पे ये प्लेन है तो यहाँ पे एक डिजाइन ऐसे आएगी। तो इस तरह से ये ज्वाइंट हो जाएगा तो ये पता नहीं चलेगा। अब देखिए हम ग्रीन से ही सारे फंदे क्लोज कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास देखिए इस कली का एंड हो गया और 24 फंदे हैं मेरे पास। जितने का आप बनाएंगे उतने फंदे होंगे आपके पास। ऐसे हम 2 का 1 करते हुए सारे फंदे बंद कर लेंगे। ये देखिए लास्ट तक हम कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से मैंने सभी फंदे बंद कर लिए। अब देखिए हम इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए यहाँ से ये फ्लावर जहाँ पे हमने एंड किया, मेरे पास 24 फंदे बचे थे जहाँ से हमने क्लोज किए फंदे, वहीं से हम इसको यहाँ से रखेंगे। ये देखिए इस कॉर्नर से और यहाँ से हम इसकी सिलाई कर देंगे ऐसे। इस तरह से
इन धागों को हम बाद में कट कर देंगे, ऐसे पकड़ लेंगे मिलाते हुए। ये देखिए, और देखिए यहाँ पे बाइट का बाइट तक आना चाहिए। ये देखिए, इसको ऐसे मिला देंगे ताकि फ्लावर ये ऊपर नीचे ना आए। ये देखिए, अब देखिए ये होल है, तो आप चाहे तो इसको ऐसे ही राउंड में बंद कर सकती हैं या फिर इसमें फ्लावर वगैरह लगा सकते हैं। तो हम थोड़ा सा इसको ऐसे ही बंद कर देंगे, उसके बाद ऊपर से हम इसमें फ्लावर लगाएंगे। तो ऐसे देखिए राउंड में करके इसको और खींच देंगे तो ये होल बिल्कुल बंद हो जाएगा। ऐसे देखिए, इस तरह से देखिए यहाँ पे बंद हो गया। अब हम नॉट लगा के इस धागे को कट कर देंगे।